हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ नीलम। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कर रहे हैं हम, पार्ट वन कर चुके हैं। पार्ट टू में आज हम लेंगे कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट का भी मैंने आपको कुछ सम बताए थे वहाँ पे कि अमाउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में हम इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे और मतलब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं आज की वीडियो में आपको करवाऊँगी। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। पी यहाँ पे प्रिंसिपल है, आर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी यहाँ पे टाइम है, ओके। और अमाउंट है एक और टर्म जिसमें हमें टोटल अमाउंट मिलता है विड्रॉ करने के बाद, इंटरेस्ट के साथ जो हमें मिलता है या जो हमने बोरो किया है उसको जब हम रिटर्न करते हैं तो कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ता है, वो अमाउंट है। तो इसके लिए जब भी हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होता है तो फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। जो प्रिंसिपल जो डिपॉजिट या बोरोड मनी है प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो ये दो चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपको कई बार पूछा जाता है कि एक तो अमाउंट वाला हो गया, एक आपको प्रिंसिपल फाइंड करने को बोला होता है। सारी चीज़ें दी होती हैं, उसमें आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी हमें इसमें से चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, 100 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा आई इंटू 100। आई इंटू 100 इस साइड को आ गया तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर इंटू टी। तो यहीं से फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है या हमें कुछ और फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो हमें फाइंड आउट करना है टाइम, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे। इसी फॉर्मूला से ही हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसी से बाकी फॉर्मूला बनेंगे। टी को अलग से ले लीजिए, टी को लेफ्ट साइड में ले लिया हमने तो हमारा अगेन वही हो गया आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर, पी इंटू आर ये हो गया। अगर आपको बोला है आपको इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ आर हियर, तो R अगर आपको निकालना है तो R को इस साइड ले लीजिए, बाकी वही चीज़ हमें करनी है I इंटू 100 डिवाइडेड बाय R को हमने ले लिया तो हमारे पास बच गया है P इंटू टी। तो इस तरह से एक फार्मूला से हमारे पास कितने फार्मूला और बन गए, तीन फार्मूला और बन गए, प्रिंसिपल के लिए, टाइम के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो ये फार्मूला आपको अगर पता है तो बाकी फार्मूला जो है आप एज इट इज़ उससे जो है वो निकाल सकते हो। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे किया। जो भी हमें इसमें से चाहिए उसको अलग से ले लीजिए, बाकी ये डिनोमिनेटर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो भी बचेगा। इसी तरह से तीनों फार्मूला में हुआ है। अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आप अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ये क्वेश्चन है, अंकित बोरोड ₹7,200 फ्रॉम अ बैंक फॉर टू ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी विल पे आफ्टर टू ईयर्स। यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसको हम साइड में लिख लेंगे इस तरह से। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, ए हमें फाइंड आउट करना है, जो उसने बोरो किया उधार लिया है, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं या बोरो करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। बोरो और डिपॉजिट की हुई मनी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो हमारा है प्रिंसिपल 7,200, ठीक है। टाइम हमारा है 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मीन्स आर हमारा है 5%, ओके। सो अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे अमाउंट का हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, ओके। पी हमारे पास यहाँ पे है लेकिन आई हमारे पास नहीं है, तो पहले हम आई, हमें पता है कि आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया है, फर्स्ट वीडियो में I इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से हमें I मिल जाएगा, P हमारे पास है 7,200 इंटू आर हमारे पास 5 है, T हमारे पास 2 है और ये हमने ये ऐसे कर लिया, ये 0 से 0 कट हो गया, 5 2 10, 72 इंटू 10 हो जाएगा 720, ओके। तो 720 जो है आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट यहाँ से मिल जाएगा, अमाउंट देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई,
7200 प्लस 720, इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू ज़ीरो टू, हम यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं 9 and 7, तो ये रुपीज़ इतना जो है हमारा अमाउंट आया। आप इस तरह लिख लिए अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 7920, तो इतना अमाउंट जो है उसको पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद। ओके, तो ये आपको समझ आ गया किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, सुधीर डिपॉजिट सम मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, रेट जो भी दिया है उसको हम साथ के साथ लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, आफ्टर 2 ईयर्स, टाइम क्या है 2 ईयर्स है, ही रिसीव इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 600, इंटरेस्ट है 600, हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड बाय सुधीर, हाउ मच मनी डिपॉजिटेड, मैंने आपको बताया जो भी हम डिपॉजिट करते हैं या बोरो करते हैं वो प्रिंसिपल है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब हमें पता है I इज इक्वल टू पी इंटू आर, सॉरी दिस इज पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, यहाँ से हमें P चाहिए, तो P अगर हमें ये P हमें यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा I इंटू 100 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा R इंटू टी, मिल गया हमें P निकालने का फॉर्मूला, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला। बस सिंपली वैल्यूज रख लीजिए, I हमारे पास है 600 और उसके बाद 100, R हमारे पास है 15, T हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा हमारा 2 से अगर हम इसको करते हैं कैंसिल तो ये हो जाएगा 50, और इसको अगर हम करते हैं तो 15 4 60 तो ये आ जाएगा 40, 40 इंटू 50 हमारा आ जाएगा 2000, तो P इज इक्वल टू रुपीज़ 2000 हमारा जो है वो आंसर आ गया। अब हमें पता चल गया, जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनको लिख लीजिए, ठीक है, जो निकालना है उसको साइड में लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला लिख लीजिए, उसी में से आपको वो चीज़ जो है वो मिल जाएगी कि क्या उसके लिए निकालने का फॉर्मूला होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज़ 800 यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ, रुपीज़ 800 क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल है हमारा रुपीज़ 800, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ आई हमारा 320 है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है 10% पर एनम, तो इन हाउ मेनी ईयर्स, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम हियर, टाइम नहीं पता हमें, हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स मतलब टाइम है, तो हमें टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, अगेन पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू दिस, यहाँ से हमें टी चाहिए तो क्या कर लीजिए, लेंगे टी को रहने देंगे आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर, ये हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल गया इससे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख लीजिए सिंपली, आई क्या है 320 इंटू 100, पी क्या, पी है हमारा 800 इंटू आर है हमारा 10, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 4 32, सो 4 ईयर्स टाइम चाहिए। ओके, तो आंसर हमारा आ गया टी इज इक्वल टू 4 ईयर्स, बहुत सिंपल है, हर तरह का इक्वेशन लेके दे रखा है मैंने यहाँ पे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का इक्वेशन पूछा भी जा चुका है डिफरेंट नंबर्स में, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रुपीज़ 3500 अमाउंट टू रुपीज़ 4550 इन 6 ईयर्स। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रुपीज़ 3500 अमाउंट, तो रुपीज़ 305 जो है यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है, अमाउंट टू रुपीज़ 4550, ए यहाँ पे 4550 है, टाइम यहाँ पे 6 ईयर्स है। ओके, हमें आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, और उसके साथ साथ
आई भी नहीं यहाँ यहाँ पे दिया है, तो आई हमें यहाँ निकालना है। ओके बाकी चीज़ें हमारे पास हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमें यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। ओके सो आई क्या होगा, ए माइनस पी, यही होगा आई ए माइनस पी। ए है हमारे पास 4550 और पी है 3500। इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद हमें मिलता है 0501। तो रुपीज़ 1050 जो है वो हमारा क्या है, सॉरी आई है, इंटरेस्ट है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली है, मीन्स जो भी नई चीज़ें दी हैं उसके बारे में सोचो कि क्या फार्मूला हम जानते हैं जिससे ये चीज़ हमें निकल जाएगी। तो हमने अभी इंटरेस्ट निकाल लिया है, अब हमारे पास सिंपल हो गया फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। हमें आर चाहिए तो ये हो जाएगा आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय, आर हमें चाहिए तो पी इंटू टी। ओके आई क्या है, 1050 यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, 100 पी क्या है हमारे पास 3500 और टी हमारे पास दिया है 6 years। अब इसको कैलकुलेट कर लो, पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो है हमारा ये आ जाएगा, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन 6 से ये नहीं होगा। ओके 6 1 6 4 लाइक इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1050 और इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 × 6 हो जाता है 210। अगेन 0 से 0 कैंसिल हो गया, 21 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 6 नहीं आएगा, 5% आएगा। तो ये आ जाएगा 5% पर एनम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% पर एनम। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन लेकिन सिंपल है, कुछ भी नहीं है, दोनों फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, एक तो हमारा ये वाला अमाउंट वाला फार्मूला, एक हमारा मेन फार्मूला, इसी से हमें अलग अलग चीज़ें मिल जा रही हैं सॉल्व करके। अब देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच रुपीज़ 17,500 विल बिकम रुपीज़ 19,250 इन 2 years। तो यहाँ पे पी है हमारा 17,500, ए है हमारा 19,250, टाइम दिया है 2 years। ओके व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमें आई निकालना है। ये सिंपल है, आई जैसे हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा। ए है हमारा 19,250 और पी है हमारा 17,500। ओके तो इसका सिर्फ सिंपल वाला पार्ट पूछा है, जो हमने लास्ट सम किया उसका एक पार्ट सिर्फ पूछा है, यहाँ पे उतना लेंदी नहीं पूछा है एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हो कि किस तरह क्वेश्चन को पूछा गया है, ट्रिक वही है। ठीक है अब इसको जब भी हम माइनस करेंगे तो ये हमारा सम आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 देन 9 8 1 हो जाएगा, तो 1750 जो है हमारा आंसर आ गया। तो इंटरेस्ट हमारा आ गया रुपीज़ 1750, ये हमारा आंसर आ गया, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है जेएनवी के। एक क्वेश्चन ये 2016 में आई थिंक पूछा गया है, बहुत ही थोड़ा सा ब्रेनी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। एट 25% पर एनम इंटरेस्ट, आई इज इक्वल टू है 25%, इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ट्रेबल इट्सेल्फ। ट्रेबल मीन्स, ट्रेबल का मीनिंग है मीन्स तीन गुना, थ्री टाइम्स, तो ट्रेबल का मीनिंग हो गया थ्री टाइम्स। ओके तो इस क्वेश्चन में सिंपली ये कहा गया है कि कितने सालों में जो है मनी जो है, कोई मनी है वो कितने सालों में तिगुनी हो जाएगी, तीन गुना हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी अगर उस पर 25% इंटरेस्ट लग रहा है। तो अभी हमें ये सिंपली हमें इंटरेस्ट पता है 25% है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि
सॉरी इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 25% पर एनम इंटरेस्ट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आर था नॉट आई। ओके, आर जो है 25% है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि अमाउंट कितना है। ओके, तो 25% पर एनम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जब भी हमारे पास कोई अमाउंट नहीं पता है तो हम उसको क्या मानेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम मानेंगे 100 रुपीज़। ओके, हम मान के चल रहे हैं कि 100 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किए जिसके ऊपर 25% इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसको तिगुना करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। अब सिंपली अगर पी इज़ इक्वल टू 100 है तो अमाउंट कितना होगा जो हमें मिलेगा टोटली, तो 100 का 3 times हो गया 3 into 100, ट्रेवल इट सेल्फ 3 into 100 मीन्स 3 times हो गया 300। अब हमें पी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया है यहाँ से अमाउंट। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आई निकालने के लिए, तो हमें पता है कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, देन आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए यहाँ पे 300 है, पी यहाँ पे 100 है, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 200। तो आई हमें पता चल गया, इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 200 है। ओके, तो अब फॉर्मूला यूज हमें चाहिए अब टाइम, तो सिंपली हम आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 फॉर्मूला लेंगे। यहाँ से हमें चाहिए टी, क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए अगर हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आई इंटू 100। ओके, ऐसे डिवाइडेड बाय पी इंटू आर। आई क्या है, 200 है इंटू 100, पी क्या है, 100 है, आर क्या है, 25 है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 फोर्स 100 होता है, 25 8 जो 200, तो 8 years हमारा आंसर आएगा। टाइम इज इक्वल टू 8 years, 8 years लगेंगे हमारे उस मनी को तिगुना होने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेनी है, ओके, आप इसको ओरली भी कर सकते हो लेकिन बेटर है, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा या फिर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है या इसी वे में पूछा जाएगा, तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी आप अपनी बुक से रिवाइज कर सकते हो इस चैप्टर को। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।